Hai questo video in deso? Bala de filma era gari. Lena bag bokdai jani yani hale bokdai. Wala god bandin maile boyo je sab nata ko. Tro kal din maile boyo. Yesko bag pani sabai maile boyo. Ah hale bo. Paile hamni chai yani ro. Ke bhancha? Ke bhayo? Gorkhe. Gorkhe ma thiye. West Bengal. West Bengal aipugi sakyo bane hami 4 baji uthere hineko. Bane mai hine khas chai agi pugne wala thiye yaha What is that? Bengal man, mom, the Benjamin is a part like, or mind the self bounce. Bunny never comes to that. You are the self bounce. Good kissing answer. I'll get up a cinematic shot. Take me, Ella. Aje, oh, my thumbnail, the lucky dealer. यस्तो उकालो छ आज चाहिँ त्यस्तो ट्रेल राइडिङ हेरे के छैन ट्रेकिङ आज चाहिँ यो ब्लग चाहिँ ट्रेकिङ गर्नु यस्तो बोल्नु यति साह्रो पर्दैछ कि सास फेर्दैछ ए सास बढ्दैछ बाटो चाहिँ यति साह्रो उकालो छ न अबदेखि चाहिँ न ब्लगिङ चाहिँ अबदेखि चाहिँ आई विल बी डुइङ इन हिन्दी सुन के आप लोग मत हंसना क्योंकि बहुत लोग का कमेंट आ रहा था हिंदी में ब्लॉग करो हिंदी में ब्लॉग करो सो आज से मैं हिंदी में ही ब्लॉग करूंगा ओए भारी बल हमने भारी बल क्यों बोला क्या ऊपर चलना पड़ रहा है यार मैंने अंदर से कपड़ा ज्यादा पहन लिया था इसलिए अंदर से बहुत गर्मी हो रहा है सब पसीने से भीग गए हमें मैं ऊपर दिखाने वाला हूँ आधा रास्ता तो तेर कर लिया आई मोमो सो आप लोग ट्रैकिंग करना पसंद करते हो तो आप लोग इधर आ सकते हो ये प्लेस ये जगह वेस्ट बंगाल में है पर उधर हम लोग अभी तो हम लोग अभी उधर सिक्किम से ही आया था ये जगह वेस्ट बंगाल गोरखे बोलता है इसको तो अगर आप लोग हम अभी हमारा डेस्टिनेशन ऊपर संदकपुर तक लोग को मालूम ही होगा उधर जो आपा का भी फिल्म शूटिंग की हुआ था दयांग वन ऑफ माई बेस्ट एक्टर ऊपर लड़का लोग लड़की लोग ऊपर सब जा रहा है तो भी ठीक है गाइस मिलते अभी सिर्फ जंगल ही जंगल मिलेगा वैसा कोई शानदार व्यू वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा आज मैं आया सिर्फ जंगली लोग के साथ इतना ऊपर जाना पड़ेगा यार थक गया तो दोस्त लोग अभी हम जंगल की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि मेरा जो मैं आप लोग ब्लॉगिंग करता हूँ ना जंगल हमको कभी नहीं छोड़ता ऑफ रोडिंग करते समय सिर्फ जंगली जंगल और जहाँ भी जाऊँ सिर्फ जंगल में ही ब्लॉग होता है पर दिस इज क्वाइट फन फॉर एडवेंचर सो इनफैक्ट आई लव डूइंग ब्लॉगिंग इन जंगल्स एंड ऑल क्योंकि जंगल में इतना जो पीस होता है ना जो सिटी वगैरह में नहीं होता सो इसीलिए मैं जंगल में ही
ब्लगिङ गर्ने कि ब्लगिङ गर्नेको पसन्द करता हूँ, सो इसीलिए सो आप लोग का जो सपोर्ट जो है ना हमको चाहिए, इतना तकलीफ के साथ में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ आप लोग के लिए, जो ये मेरा वीडियो जो बाहर का आदमी लोग जो भी देख रहे होगा, सो आप लोग ज़रूर सिक्किम पे आइए और ये ट्रैकिंग का फन लीजिए। और मैंने सुना था अगर ये आप लोग ये ऊपर नहीं चल सकता तो आप लोग ऊपर दार्जिलिंग से होके संदकपुर पे जाकर नीचे आ सकते हो, अगर आप लोग को पसंद हो ये एडवेंचर वगैरह पसंद हो तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ टूरिस्ट वो जो बाहर का होता है ना वो भी वैसा ही करता है, पर हम लोग इधर पहाड़ का ही होने के कारण से हम लोग इधर ऊपर भी चढ़ सकते हैं। इतना ज़्यादा लगेज है पीछे, बहुत थक गए यार, मेरा दोस्त लोग हमको तो पीछे छोड़ दिया, सो इधर से नहीं जाएंगे हम। आप लोग को मैं ऊपर का व्यू दिखाऊंगा, ठीक है ना। सो ऊपर का व्यू ऐसा है, चारों ओर जंगली जंगल है, सो अभी तो ज़्यादा थकान होने से ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सक रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऊपर है ना, इसलिए बाप रे सुबह नींद भी अच्छी तरह से सो ही नहीं पाया। सुबह 4 बजे को हम लोग निकला था, रात के समय पे ही निकला था, सुबह सुबह चलने का एक बेनिफिट होगा आप लोग का, जैसे कि आप लोग हमको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग को मालूम ही होगा। सुबह सुबह उठ के चल के एक्सरसाइज करके आप लोग का बॉडी जो हेल्थ है ना वो बहुत फिट होगा। सो गाइस प्लीज डोंट लाइक, मैं नेपाली में ब्लॉगिंग करना चाहता था पर मेरा जो कमेंट जो है ना, मैं हमेशा हर किसी का मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। सो एक दो मेरा दोस्त लोग ने बोला था हिंदी में करने के लिए, सो हिंदी में ही करूँगा, जैसे भी मेरा हिंदी टूटा फूटा हो ना, पर फिर भी मैं हिंदी में ही करूँगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया था आज, थोड़ा थोड़ा सा समझ में भी आना चाहिए ना। सो आई बीइंग द इंडियन आई शुड एबल टू स्पीक इन हिंदी वेरी वेल, सो अब से मैं व्लॉगिंग जो रोज़ मैं हिंदी में ही करने वाला हूँ, क्योंकि जो आप लोग का जो हमको जो सपोर्ट मिला है ना यार, दिल खुश कर दिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे, अभी बहुत थकान महसूस हो रहा है, सो ठीक है गाइस। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ, तकरीबन ये जो हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं ना, तकरीबन लगभग 3 किलोमीटर आसपास तो चढ़ लिया, बहुत थकान महसूस हो रहा है यार। अभी मैं दोस्त लोग का ही वेट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी आ गया मैं, ये अभी ऊपर जोर चढ़ाई करना है, सो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे, अपडेट देता ही रहता हूँ। तो फाइनली गाइस, के को फाइनली अभी आ रहा है मेरा दोस्त लोग 100 में 1% भी नहीं निकला, फाइनली उसको थे क्यों है इतना ज्यादा इंतजार करने के बाद अभी आ रहा है ये लोग, अभी आ रहा है, माय गॉड ठेले को तो पूरा इंजन मार, मालूम नहीं ये लोग क्या खाता है, हम तो मक्का ही खाते हैं, मक्का नहीं पीता है हम लोग, और आप लोग कैसे ज्यादा कर रहे हैं ऐसा, मक्का ही बोल रहा है, इंग्लिश में मेज बोल रहे हैं ना, बहुत अलचे आ गया लाल वाला जैकेट जो पहना है ना, बहुत लीजिए, चढ़ाई नहीं कर सकता, अगर चढ़ाई नहीं कर सकता तो ट्रैकिंग आना क्यों जा, ऊपर हमारा फोटोग्राफर। तो अभी हम लोग को चढ़ाई करने के लिए लगभग 20-30 किलोमीटर होगा ऊपर, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे।
हेलो गाइस, अभी चलते चलते समय सनराइज हो गया, अभी भी धूप निकला है। हमको ऊपर फालूद जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि धूप निकला तो हम लोग का चलने में बहुत परेशानी होगा। ज़्यादातर हम लोग पानी भी थोड़ा लिमिटेड ही कैरी करके आया है, सो डिहाइड्रेट होगा तो सबका सर दर्द करने लगेगा। हम तो पहले ही पहुंचने वाला था, पर क्या करिए, सब अलसे लेजी महा अलसे हिंदू। हाँ, ये सब इसके ऊपर जाता है, इसीलिए गाइस कमेंट करना है लेजी हिंदी में क्या बोलते हैं भाई। अलसी अलसी तो है गाइस हिंदी में। चारों ओर जंगली जंगल है। अम्मा हट, मिलते हैं दूसरे क्लिप पे। अभी अभी इधर कुछ मिलते हुए है। पानी पानी खा लिया टैप्स। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे हैं, अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे फिर चलेंगे। लगभग आलूबड़ी, शायद आलूबड़ी बोलते हैं, वहाँ पहुँचने ही वाले। और थोड़ा सा दो तीन रोटी खाकर ताकत आ गया। और आप लोगों को मैं आगे रास्ता दिखाने वाला हूँ। बहुत थक गए ना, बोलने में बहुत दिक्कत आ रहा है, सो इसलिए रास्ता कैसे आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। देखिए सब ये जो लॉग है ना, इससे रास्ता बनाए। और उधर सब दोस्त लोग जा रहा है। सो अभी मैं सो अहिले हामी चाहिँ यहाँनिर के आलुबारी है, आलुबारी होमस्टे आइपुग्यो। यो चाहिँ होमस्टे देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। सो दिस इज द होमस्टे अफ आलुबारी। सो ऑलराइट गाइस, इधर से कंचनजंगा का व्यू भी बहुत अच्छी तरह से दिखता है। लगभग हम कंचनजंगा के आसपास ही है, मजा कर रहा हूँ। कंचनजंगा बहुत दूर है के हो आम आफूलाई चाहिँ। यो हिन्दी बोल्दाखेरि त अरुणाचल प्रदेशको मान्छेहरू जस्तै टोन बोल्दैछ है। सो मेरा भी वैसे ही है, नॉर्थ ईस्ट आदमी लोग कैसा हिंदी बोलते हैं वैसा ही है मेरा भी। मैं भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, पर इंडियन से इंडियन ही हूँ मैं भी। मालूम नहीं ये आई मोमो क्या ढूंढ रहा है। दुकान मिला तो सब चोरी छुपके चोरी छुपके से देखने।
आई जुस त्यो छ नि हौ खै जुस ओ अम्बो हो त रहेछ फुटेकी नि इधर हामीको जुस मिलाए तोड दु ऐसा नहीं होता है वो भाई चेहरे को होता है ना भाई तो फिर ठीक है गाइस थोड़ा सा सिनेमैटिक व्यूज आप लोग देखिए उधर सोलर पैनल है इधर का आदमी लोग ऐसे ही गुजारा करता है इधर इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त कुछ भी नहीं होता है और मालूम नहीं है क्या खड़ा है इसका तो हिसाब किताब करना पड़ेगा बाद में ओ टैप्स और इसका नाम इज वेल नोन एज टैप्स सो गया वो तो काफी थकान होने के कारण से वो तो सो गया मैं भी थोड़ा सा सोऊंगा और फिर बाद में मतदम मस्त दबा दबा के खाऊंगा तो अभी ठीक है हमें अभी इस आलूबारी से निकलते हैं अभी हमारा डेस्टिनेशन थोड़ी से अब लगभग एक घंटा जितना दूर है सो मैंने दिखाया था काफ़ी ऊपर है ठीक है कोई बात नहीं हम लोग चलते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे ऊपर जाकर मिलते हैं ठीक है ना गाइस तो अभी हम उस ओर जा रहे हैं लगभग हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला है और कैंप थोड़ा ही ऊपर है क्यों नहीं सर ऋषि सर ऐसी टीम मान लो